वैसे तो भारत के इतिहास में किलों के लिए राजस्थान सबसे ज्यादा मशहूर है, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे में भी एक मशहूर किला है जो मराठा साम्राज्य की शान कहा जाता है। इस किले को शनिवारवाड़ा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस किले की नींव शनिवार के दिन रखी गई थी, इसीलिए इसका नाम शनिवारवाड़ा पड़ गया। इस किले का निर्माण 1746 ईस्वी में बाजीराव पेशवा ने करवाया था। कहा जाता है कि बाजीराव की मृत्यु के बाद महल में सत्ता के लालच में षड्यंत्र शुरू हो गए थे। 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। नारायण राव के चाचा ने ही उसकी हत्या करवाई थी। जब हत्यारे नारायण को मारने के लिए आए, वह अपने बचाव के लिए काका मालवा वाचवा चिल्लाते हुए भागा, यानी कि चाचा मुझे बचाओ, यह कहते हुए काफी देर भागते रहा, लेकिन उसे किसी ने नहीं बचाया। कहा जाता है कि महल में राजकुमार की आज भी आत्मा भटकती है। अंधेरी रातों में महल में से काका माला वाचवा चीखने की आवाजें आती है। 1828 ईस्वी में इस महल में आग लग गई थी और महल का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया था। यह आग कैसे और क्यों लगी, यह बात आज तक रहस्य बनी हुई है। कहते हैं जब महल में आग लगी थी, उस वक्त वहां कुछ बच्चों की आग में जलने से मौत हो गई थी, लेकिन इस बात को दबा दिया गया था। हर रात महल के अंदर से बच्चों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती है। पूर्णिमा की रात महल और भी ज्यादा डरावना और भूतिया लगता है। इसी कारण यह महल भारत की 10 डरावनी जगहों में शामिल है। यहाँ सुबह से शाम तक तो पर्यटक आ सकते हैं, लेकिन शाम होने के बाद इस महल को बंद कर दिया जाता है। यह महल बहुत ही खूबसूरत है। महल में कुल 5 दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाजा, मस्तानी दरवाजा, खिड़की दरवाजा, नारायण दरवाजा और गणेश दरवाजा। इस महल में 17 से 18वीं सदी की वस्तुएं और मूर्तियों को रखा गया है। पुणे के इतिहास में शनिवारवाड़ा काफी फेमस है। 625 एकड़ में बने इस फोर्ट को बाजीराव द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर वह और उनकी पत्नी काशीबाई रहती थी। वह इसकी एंट्री पर ही बाजीराव का एक बड़ा सा स्टैचू लगा हुआ है। पेशवाओं के भारत के सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार सेनापति बाजीराव प्रथम हमेशा एक ऐसा निवास चाहते थे जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंब करे और पेशवाओं के लिए एक ठोस रक्षा स्थल भी हो। इसीलिए 30 जनवरी 1730 शनिवार को किले के निर्माण की औपचारिक रस्म शुरू हुई थी। शनिवारवाड़ा स्थानीय लोगों के लिए एक पर्यटक आकर्षण और एक पिकनिक स्पॉट बन गया है। किले के कुछ हिस्सों का रखरखाव अच्छी तरह से नहीं किया गया है। शनिवारवाड़ा पुणे की शान है। पर्यटक किसी भी चीज को देखने से पहले इस स्मारक को देखने आते हैं। भले ही आज डरावनी कहानियां शनिवारवाड़ा को घेरती है, लेकिन इसका मराठों का समृद्ध इतिहास है।